नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है लिक्विड फंड्स। तो लिक्विड फंड्स बेसिकली क्या होता है? लिक्विड फंड्स मतलब डेट फंड्स होते हैं हम लोग का, ठीक है। डेट फंड्स दैट मेनली इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज एंड ऑफरिंग फिक्स रिटर्न। ये किस में काम आता है? मान लीजिए आपका कोई अपॉर्चुनिटी फंड बनाना है आपको, ठीक है। मान लीजिए मार्केट अभी काफ़ी हाई चल रहा है और आप लोगों को कुछ पैसा इकट्ठा करना है, और क्योंकि आप लोग जब मार्केट डाउन होगा, जब क्रैश होगा, तब लगाना है आपको, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी फंड। तो अपॉर्चुनिटी फंड बनाने के लिए लिक्विड फंड्स काफ़ी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव बन जाता है बैंक एफडी या फिर बैंक में रखने के लिए। तो इसमें बैंक से ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है, ठीक है, और इसमें भी डेट और जो रिस्क का परसेंटेज है एकदम ना के बराबर है, नेग्लिजिबल रिस्क रहता है। तो ये कहाँ पे पैसा लगाता है? दिस सिक्योरिटीज टिपिकली इंक्लूड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स में लगाता है, कमर्शियल पेपर में लगाता है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपोजिट विद मैच्योरिटीज अप टू 91 डेज, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एकदम फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, जो बैंक भी जहाँ पे पैसा लगाता है, मान मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, कमर्शियल ट्रेजरी बिल्ड हो गया, मेनली गवर्नमेंट डेट डेट पे जगह पे पैसा लगता है फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में। यहाँ पे फिक्स्ड मनी इंस्ट्रूमेंट्स बोलता है इसको। तो हम लोग आज दो फंड के, लिक्विड फंड के बारे में बात करेंगे। तो पहला है आदित्य बिरला का लिक्विड फंड और दूसरा है एसबीआई का लिक्विड फंड। दोनों का कंपेयर करने से पहले इंडिविजुअली दोनों फंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये मैं एसबीआई का लिक्विड फंड दिखा रहा हूँ। ये दोनों फंड अपने अपने कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर्स है। तो वैल्यू रिसर्च का रेटिंग दिया हुआ है यहाँ पर 3 स्टार, मॉडरेट है रिस्क मीटर, 1 साल का है रिटर्न 7.31%, एनएवी इनका चल रहा है 3,700। तो 1 साल का कंसिडर करो, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू लाइन है हम लोग का एसबीआई लिक्विड फंड, ग्रीन है इसका बेंचमार्क, और ब्राउन में दिया हुआ है कैटेगरी एवरेज, ठीक है। तो देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट करते हुए आ रहा है ये। वो 1 साल का दिखा रहा हूँ मैं। अगर मैं 3 साल का दिखाऊँ तो यहाँ पर भी देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है। देखिए 3 साल का भी आराम से बेंचमार्क को तो बीट कर ही रहा है और कैटेगरी एवरेज को भी काफी अच्छे तरीके से बीट कर रहा है। और जब से स्टार्ट हुआ था, ये वाला दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं जब से स्टार्ट हुआ था आराम से कैटेगरी एवरेज को भी हल्का सा बीट करते हुए आ रहा है। तो ये वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस फंड है, ठीक है। नीचे चलते हैं, ये देखिए अपफ्रंट आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और मंथली, मतलब लमसम अगर 1 लाख रुपए करते हैं और मंथली भी 10,000 रुपए करते हैं 3 साल के लिए, तो आपका रिटर्न्स बन जाएगा 5,14,550, 6.13% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल जाएगा आपको। 4,60,000 इन्वेस्टर था, 5,14,000। ये रिटर्न्स बनाने के लिए नहीं है ये वाला फंड, ये बस फंड आपका आपका जो कुछ कॉर्पस है उसको पार्क करने के लिए, कि जब टाइम आएगा दूसरी जगह पे यूज कर पाए उसके लिए ये वाला फंड काम आता है। रादर देन पुटिंग इन एफडी यू कैन पुट इट ओवर हियर। नीचे चलते हैं, इसका फंड का देख सकते हैं रिस्क मीटर मॉडरेट है, ठीक है, हाई नहीं है क्योंकि इक्विटी फंड नहीं है, ये डेट फंड है। नीचे चलते हैं एसेट एलोकेशन, 119% डेट है, -19% कैश में दिया हुआ है, पता नहीं क्यों ये -19 दिखा रहा है, तो 100% डेट ही लिख सकता था इसका। तो कैसे कैसे वेट अपना दिया हुआ है, देखिए जो A1+ जो बॉन्ड्स है उसमें 98% पैसा इनका लगा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जब जो जो बॉन्ड्स मान लीजिए बी या सी या डी होते हैं उसमें पैसा लगाना ठीक ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पर देखें A1+ में 97 लगा हुआ है, सॉवरेन बॉन्ड्स में लगा हुआ है 20%, 20% के करीब, और ट्रिपल ए बॉन्ड्स में लगा हुआ है 0.86%। नीचे चलते हैं पीयर कंपैरिजन, एसबीआई के लिक्विड का पीयर कंपैरिजन में दिखा रहा है आदित्य बिरला सनलाइफ लिक्विड फंड, जो मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ। इसका भी रिटर्न देख सकते हैं, इसका 7.31% है वो 1 साल का, और इसका है आदित्य बिरला का 7.37%। नीचे चलते हैं एसेट्स देख सकते हैं, ये मैनेज करता है एसेट्स 52,000, करीबन 53,000 करोड़। एग्जिट लोड है 0.01%, 1 दिन का है एग्जिट लोड का इनका, एक लॉक इन पीरियड, 1 दिन के बाद आप लोग निकाल सकते हैं पैसे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये से स्टार्ट कर सकता है, और विड्रॉल भी, मतलब SWP के लिए विड्रॉल भी मिनिमम 500 रुपये से स्टार्ट कर सकता है, मिनिमम SIP भी 500 रुपये ही है। नीचे चलता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देख सकता है इसका सुइटेबिलिटी, लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स हैविंग मैच्योरिटी अप टू 3 मंथ्स, ठीक है, 3 3 मंथ्स तक तो मैच्योरिटी में इसका पैसा लगता है, मतलब ये जो जहाँ पे पैसा लगाता है वो बॉन्ड का मैच्योरिटी का बोल रहा है 3 महीना। दे आर सुइटेबल टू पार्क द अमाउंट यू हैव सेट असाइड टू मीट एनी इमरजेंसी नीड्स और सरप्लस मनी दैट यू डोंट नीड फॉर ए फ्यू वीक्स अप टू ईयर, मतलब 1 साल या कुछ हफ्ते तक अगर आपको पैसे का जरूरत नहीं है तो इसमें आप लोग पैसा पार्क कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं कुछ दिनों तक टेम्पोररी बेसिस के लिए। यू कैन एक्सपेक्ट टू अर्न बेटर रिटर्न्स देन व्हाट यू वुड गेट फ्रॉम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जो आपको मिलता है उससे
थोड़ा सा ही ज्यादा अमाउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। रिमेंबर दिस फंड्स आर गियर्ड टू डिलीवर ओनली मार्जिनली हायर रिटर्न्स देन योर बैंक अकाउंट। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये तो हो गया, अभी रिटर्न के बारे में बात करते हैं। तो रिटर्न देख सकते हैं, ये वाला हो गया, ये देखिए। तो 1 डे का, 1 मंथ का छोड़ देते हैं, 6 मंथ का देखिए 3.75 है, कैटेगरी एवरेज का है देखिए 3.72, और इसका जो बेंचमार्क है 2.3, तो दोनों को अच्छी तरीके से बीट करते हुए आ रहा है। इसका भी देखिए 1 साल में भी अच्छे से बीट करते हुए आ रहा है, 3 साल में भी बीट कर रहा है, तो लगातार ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से तरीके से बीट कर रहा है कैटेगरी, जो रैंक विद इन कैटेगरी है, तो 1 साल का देख सकते हैं 23, 3 साल का है 22, ठीक है। रैंक थोड़ा सा ये है, कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। नंबर ऑफ फंड्स इन दिस कैटेगरी, फंड्स को कब कौन कौन सा फंड कैसे चेंज हुआ है, 29 था 10 साल पहले, उसके बाद 30 हुआ, 33 हुआ, 34 हुआ, इंक्रीज हो रहा है थोड़ा बहुत करके। बेस्ट एंड वर्स्ट पीरियड या वीक और मंथ का छोड़ देते हैं, क्वार्टर का देखते हैं। बेस्ट है देख सकते हैं 1.86% है, हुआ था बेस्ट रिटर्न्स दिया था 26 सितंबर 2018 से 26 दिसंबर 2018 तक, और वर्स्ट हुआ था क्वार्टरली वाइज 0.73%, जो कि काफ़ी कम था, तो 22 अक्टूबर 2020 से 21 जनवरी 2021 तक। और ईयर का बेस्ट है 7.54%, 1 साल में हाईएस्ट रिटर्न दिया है ये 1 साल के अंदर 7.54%, 2018 से 29 मई के महीने में। और वर्स्ट है 3.25%, और जुलाई 20 से 21 तक, जो कोविड में चल रहा था तब, ठीक है। SWB रिटर्न्स का हम लोग बात नहीं करेंगे आज, रिस्क का फैक्टर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मीन रिटर्न है SBI का 5.33%, स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.49%, ठीक है। शार्पे रेशियो 0.44, सॉर्टिनो 1.25, बीटा 1 और अल्फा 2.14। अल्फा 2.14 काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बेंचमार्क के तुलना में काफ़ी अच्छा उठता है ये, ठीक है। इसका जो कैटेगरी एवरेज है इसका देखिए 2.07 है, इसका 2.14, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। पोर्टफोलियो की तरफ थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्रेडिट जैसे बात किया, A1+ में है, काफ़ी अच्छा परसेंटेज दिया हुआ है, SOV में है और AAA बॉन्ड्स में भी है, अनरेटेड है, कैश तो -9। तो इसका फंड स्टाइल दिखा रहा है कि लो है, क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न रिस्क का रिटर्न का रिस्क मतलब रिटर्न काफ़ी लो है और रिस्क भी काफ़ी लो है इसका, ठीक है। और क्रेडिट क्वालिटी मतलब कहाँ पे अपना इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, वो काफ़ी हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में कर रहा है, इसलिए हाई क्रेडिट क्वालिटी है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, फंड न्यूज़ के बारे में देखना चाहते हो तो देख सकते हैं आप लोग, और अदर में चलते हैं। तो यही मैंने जो बात किया वही सब दिया हुआ है, मिनिमम विड्रॉल लॉन्च हुआ था ये 2013 में, रिटर्न सिंस लॉन्च 6.79%, जो ठीक ठाक है, मतलब ये एक एनुअलाइज रिटर्न है, ठीक है, एवरी ईयर को कॉम्बाइंड करके किया हुआ है। बेंचमार्क देख सकते हैं आप लोग, रिस्क मीटर में मॉडरेट दिया हुआ है, एसेट्स है, एक्सपेंस रेशियो 0.19% है। तो ये रहा SBI का। अब आदित्य बिरला का थोड़ा बात कर लेते हैं, वैल्यू रिसर्च का रेटिंग 5 स्टार दिया हुआ है इसका, मॉडरेट उसका था 3 स्टार SBI का, और इसका 5 स्टार है, इसका मीटर मॉडरेट है, 1 ईयर का 7.37%, NAV का अभी चल रहा है 391। रिटर्न्स के बारे में देख सकते हैं, इसका भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बीट करते हुए आ रहा है, और मैं 3 साल का बात करूं, 3 साल में भी अच्छे से तरीके से बीट करते हुए आ रहा है दोनों को, अपने कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क को। ऑल में जाऊं मैं, ऑल में भी अच्छी तरीके से बीट करते हुए आ रहा है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 4,60,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं आप लोग, तो 6.21% एनुअलाइज रिटर्न के तरफ से आपको 5,15,000 बन चुका होगा 3 साल में ही। इसका भी मॉडरेट है रिस्क, नीचे चलता है, इसका 108% डेट में है, -8। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है -8 क्यों दिया, आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। क्रेडिट वेटेज है देख सकते हैं 97% है A1+ में, 9.73% है SOV में, और बाकी अनरेटेड और AAA में 0.28% और 0.34% है। तो इसका पीयर से कंपैरिजन में देख सकते हैं सबसे अच्छा 1 ईयर क्रेडिट इसी का है 7.37%, एडलवाइज का रिसेंटली 7.39% अच्छा हुआ है। नीचे चलता है तो देख सकते हैं ऐसे इसका करीबन 30,000, उसका था 54,000, इसका 30,000। तो एक बात जान लीजिए, जब आप लिक्विड फंड में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेन क्राइटेरिया आप लोगों का होना चाहिए कि कितना लिक्विड है ये, मतलब आप लोग अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो कितने कैसे कितना जल्दी आपको पैसा दे सकता है। अगर AUM मतलब फंड साइज कम रहेगा इसका, तो आप लोगों को पैसा निकालने में दिक्कत हो सकता है। तो ज़्यादा AUM होता है इन लोगों का, तो आप लोगों का पैसा निकालने में आसानी हो जाता है काफ़ी। तो दोनों का ही 30,000
करोड़ है एक का, और दूसरा 54,000 करोड़, तो दोनों ही अच्छा खासा लिक्विडिटी मेंटेन करता है। एग्जिट लोड भी सेम ही है इनका, 0.01% एक दिन के अंदर 500, और मिनिमम विदड्रॉल इसका 1 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। मिनिमम SIP है 100 रुपीज़ से, ठीक है। इसका भी वही सेम ही दिया हुआ है कि बैंक अकाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं रिटर्न के मामले बात कर लेते हैं। देख सकते हैं 1 ईयर में देख सकते 7.337%, और इसका कैटेगरी एवरेज है 7.27%। तो 3 साल का है 5.61, इसका भी ज़्यादा है। 5 ईयर्स का है 5.35, 7 ईयर्स का 5.88, 10 ईयर्स का है 6.5, सारे में ही बेट कर रहा है। और रैंक विद इन कैटेगरी है देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, टॉप 5 में हमेशा, एटलीस्ट 1 साल तक टॉप 5 में था हमेशा, ठीक है। अभी तो रिसेंटली थोड़ा सा वॉलेटिलिटी चल रहा है मार्केट में, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे चल रहा है, 7-8 करके आ गया है। नंबर ऑफ फंड्स भी देख सकते हैं 29, 30, 33, 34, 35, 36, थोड़ा हल्का सा इंक्रीज हो रहा है सब में। बेस्ट और वर्स्ट पीरियड देखते हैं क्वार्टर का, 2018 से सेप्टेम्बर टू दिसंबर हाईएस्ट बेस्ट बेस्ट गया था 1.91%, और वर्स्ट है वही कोविड के टाइम 2020 में। और ईयर बेस्ट ऑन ईयर हो गया हम लोग का 7.64% 2018 से 19 तक, और वर्स्ट हो गया 3.26% 20 से 21 तक अक्टूबर में। SW का बात नहीं करेंगे हम अब, अभी रिस्क में चलते हैं। रिस्क का देख सकते हैं 5.40% है मीन रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5%, शार्प रेशियो 0.56, ऑर्टिनो 1.6, बीटा 1.02, और अल्फा है 2.24। अल्फा काफ़ी अच्छा है, बीटा हल्का सा ज़्यादा है, बीटा थोड़ा सा कम होने से अच्छा रहता है इसका। पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं, देख सकते हैं वही बात दिया हुआ है रेटिंग वगैरह, और स्टाइल भी लो और हाई दिया हुआ है, क्रेडिट क्वालिटी हाई और इंटरेस्ट रेट जो है उसका लो है। फंड अदर में चलते हैं, अदर देख सकते हैं रिटर्न सिंस लॉन्च है 6.90%, लॉन्च हुआ था 2013 को 1 जनवरी, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.21%। अभी दोनों का थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन में देखिए कैटेगरी में है दोनों का डेट, इसका है 5 स्टार, इसका है 3 स्टार SBI का, ठीक है। अभी नेट असेट्स है 20-30,000, इसका है 53,000। रिटर्न सिंस लॉन्च 6.9 है आदित्य बिरला का, और 6.79 है 8 मान सकते हैं इसको SBI का। मॉडरेट है, एक्सपेंस रेशियो सेम है, एक्सपेंस सॉरी एग्जिट लोड सेम है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा 0.02% ज़्यादा है आदित्य बिरला का। फंडेज 11 सेम ही है फंडेज दोनों का। रिटर्न्स के मामले बात कर लेते, देख सकते हैं मैं एक हफ्ता एक महीने का बात नहीं करूंगा, 6 महीने से बात करते हैं, तो 3.78 है इसका SBI का 3.75, तो हल्के से बीट करते हुए आ रहा है। 7.37, 7.31, 2 ईयर्स का 6.67, 6.58, 5.61, 5.54, 5.35, 5.24, सारे में देखिए हल्का सा बीट करते हुए आ रहा है आदित्य बिरला, ठीक है SBI को। नेक्स्ट चलते हैं रिस्क रेशियो के तरफ, ये देखिए अल्फा है इसका 2.24, अल्फा है 2.21, 2.14, तो इसका अल्फा ज़्यादा अच्छा है, और बीटा है 1.02 और इसका 1, तो थोड़ा सा दिक्कत है इसमें 0.02%, ठीक है। तो ये था हम लोग का कंपैरिजन, तो आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन फंड्स है अपने कैटेगरी में, तो देख लीजिए कौन से में इन्वेस्ट करना है। तो बस मैं यही बोलूंगा कि जब आप लोग लिक्विड फंड चूज कर रहे हैं ये दोनों फंड अच्छा है, इसके अलावा भी एक्सिस का अच्छा है, ICICI का अच्छा है, बस एक चीज ध्यान में रखना कि इसका AUM साइज, ठीक है। AUM साइज यहाँ पे 29,000 बहुत ही अच्छा है, 52,000 बहुत ही अच्छा है। जिसका जितना AUM साइज अच्छा रहेगा आपका लिक्विडिटी में इशू नहीं होगा। आप अगर एक छोटा से फंड में डाल देंगे पैसे, मान लीजिए 500 करोड़ का AUM साइज है, तो उसमें लिक्विडिटी का आपको पैसे का दिक्कत हो सकता है जब आप विदड्रॉ कर रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।